ये नायरा कार्तिक के जो लव कुश है ना, वो बहुत बिगड़े हुए हैं। हाँ भाई, अपने ही बर्थडे के दिन उन्होंने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया कि हमें पता चल गया और सबूत भी मिल गया कि ये दोनों सच में बिगड़े हुए हैं। बहुत बिगड़े हुए हैं कार्तिक नायरा के लव और कुश। अपने बर्थडे के दिन परिवार के साथ केक काटा, उनके साथ डांस भी किया, मगर फिर अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे में करने पहुंच गए बियर पार्टी। पार्टी करनी है ना। और तो और, यहाँ कायरव और अंश भी थे, तो ये बात संस्कारी सिंघानिया परिवार के लिए कितनी बड़ी हो सकती है। तो पड़ गई बर्थडे के दिन दोनों ही भाइयों को डांट, कार्तिक नायरा से भी और घर के बड़े बुजुर्गों से भी। फिलहाल तो इनका बर्थडे बर्बाद होगा भाई साहब। तुम दोनों आज से अगले 15 दिन तक ना घर से बाहर जाओगे, ना किसी दोस्त को घर में बुलाओगे, समझे तुम? देखिए, बर्थडे सेलिब्रेशन से पहले बॉम्ब फूटता है, तो इस बार बर्थडे सेलिब्रेशन के एंड में बॉम्ब फूटा और हम लोग का क्या था? और गिफ्ट भी मिल गया हम लोग को, सब लोग से डांट पड़ गए, गिफ्ट कैंसिल हो गया, ये बहुत बड़ा गिफ्ट मिल गया हम लोग। एंजॉय किया हम लोग ने बहुत, लेकिन हम लोग का था कि हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे सब छुप छुपा के, एक जो बोलते हैं ना बडीज बर्थडे पार्टी, हम लोग ने बडीज के सामने बोस्ट भी किया कि हम लोग को बाइक मिलेगी, ये मिलेगी, अभी नीचे जाकर सब हो गया, क्योंकि हम लोग ने कुछ कुछ अच्छे अच्छे काम किए, जैसे कोल्ड ड्रिंक के मतलब अल्कोहल कैन के अंदर कोल्ड ड्रिंक मिला दी, ये सब किया, तो उससे काफ़ी घर वाले नाराज़ हो गए। उन्होंने बोला यार तुम लोग को इतना बड़ा किया ये सब करने के, तो एंड में पूरा भांडा फूट गया, पूरा भांडा फूट गया। लव और कुश ने परिवार से माफी तो मांग ली है, मगर अपनी हरकतों से ये बाज आने वाले नहीं है। अभी तो और भी कुछ ऐसे ऐसे कारनामे करेंगे जिसकी कल्पना करना मुश्किल है, मगर नायरा के लिए नहीं, इसी बात की चिंता तो उसे सता रही है। हालांकि कार्तिक उसे समझा रहा है, उसे ये बात भूल जाने के लिए भी कह रहा है, और वो जल्दी से भूल जाए इसलिए उसके साथ थोड़ा सा रोमांस भी कर लेता है। मगर नायरा की चिंता वाजिब है, ये दोनों भाई सिर्फ डांट से सुधरने वाले नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा डिप्लोमेट। नहीं, लेकिन हम लोग सुधरेंगे, हम लोग सुधरेंगे और बिगड़ेंगे भी, सुधर के बिगड़ेंगे, ये लोग के सामने सुधरेंगे और ऐसे बिगड़ेंगे। करेक्ट, ये लोग के सामने सुधरेंगे ऐसे बिगड़ेंगे। लव कुश की बर्थडे पार्टी थी तो बहुत ही मजेदार, जिसमें सारे फैमिली मेंबर्स ने खूब नाच गाना भी किया था, मगर लव कुश ने अपने ही बर्थडे को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने तरीके से मनाने की चाहत ने कहानी में ट्विस्ट ला दिया। वैसे यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट और है, सेट पर कार्तिक यानी कि मोहसिन के कुछ रिश्तेदार मिलने आए थे, वो भी फॉरेन से। तो लव कुश के कारनामे के कारण इन्हें जो टेंशन मिला था वो मोहसिन के रिश्तेदारों ने दूर कर दिया। हाँ, मेरे मामा जान आए यहाँ पर, ये रहते हैं सैन फ्रांसिस्को में, तो ये मेरे अम्मी के सबसे बड़े भाई है। मामा भांजी का एक जो रिलेशन है वो बहुत ही क्लोज होता है, और वैसा ही है हमारा। शूट वगैरह देखा, सब एक फैमिली मेम्बर की तरह काम कर रहे हैं, और सारे के सारे काफ़ी अच्छी तरह से खुश हैं, और वो देखकर हमको भी खुशी होती है कि चलो हमारा बच्चा बहुत अच्छी जगह पर है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।